शिक्षक अब केवल पढ़ाएंगे, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मिलेगा मुक्ति। पटना हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षा विभाग में मचा है हड़कंप। गैर शैक्षणिक कामों में लगे शिक्षकों को भेजा जाएगा मूल विद्यालय। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील गोर। मगध संवाद हमेशा शिक्षकों और छात्रों के लिए आवाज उठाते आया है। एक बार फिर से आपके लिए खास खबर लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। शिक्षक केवल पढ़ाएंगे, यह मुख्य टॉपिक है। पटना हाईकोर्ट का आदेश है। राज्य में जितने भी केआरपी हैं सभी को मूल विद्यालय में भेजने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। आदेश के बाद ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। साफ शब्दों में आदेश आया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त कराएं, जितने भी केआरपी हैं उन्हें मूल विद्यालय में भेजा जाए। अब दनादन सभी जिले से अब पत्र निकलना शुरू हो गया है और तमाम केआरपी जो हैं उनको कहा गया कि फिलहाल आपके लिए कुछ कार्य नहीं है, इसलिए आप मूल विद्यालय में जाए। दनादन अब विभिन्न जिलों से पत्र निकल रहे हैं। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का डंडा इस बार शिक्षकों पर चला है, केआरपी पर पड़ा है। मुख्य रूप से शिक्षकों के जो केआरपी थे, केआरपी बने थे शिक्षक, उन पर पड़ा है और कहा गया है कि जितने भी केआरपी हैं उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाकर उन्हें मूल विद्यालय में भेज दिया जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। कहा गया कि शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सत्यता क्या है? क्या केआरपी को केवल वापस भेज देने से यह मुक्ति मिल जाएगी कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में अब नहीं लगाया जा रहा है? सवाल बहुत गंभीर है। पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक आज भी हैं जो गैर शैक्षणिक कार्यों में पदाधिकारी के आदेश पर लगे हुए हैं। बिहार में बहुत सारे संख्या में शिक्षक जो हैं बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, मतदाता सूची का संधारण करवाने में मदद करते हैं, तो क्या वह शैक्षणिक कार्य है? वह भी गैर शैक्षणिक कार्य में ही आता है, तो शिक्षकों को इससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। क्या मध्यान्ह भोजन बनवाना व्यवस्था करना क्या शैक्षणिक कार्यों में आता है? अगर नहीं आता है तो उससे भी शिक्षकों को मुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि इसके लेकर प्रयास जारी है, कई जगहों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा मध्यान्ह भोजन बनवाने का, पहुंचाने का, बच्चों तक पहुंचाने का कार्य, विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल तो कोरोना को लेकर सभी विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बंद है, विद्यालय ही बंद है तो मध्यान्ह भोजन बंद है। लेकिन सत्ता यह भी है कि अभी भी बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यालय में ही मध्यान्ह भोजन बनता है और शिक्षक कर्मी ही मध्यान्ह भोजन बनाते हैं। तो बीएलओ, मध्यान्ह भोजन और यहां तक कि विद्यालय के भवन बनाने के लिए भी शिक्षकों को लगाया जाता है। कई सवाल खड़े हुए कि पाठशाला नहीं बल्कि विद्यालय को पाकशाला बना दिया गया, पाकशाला के संचालनकर्ता कौन है? तो शिक्षक है। तो इन तमाम कार्यों से, चाहे भोजन विद्यालय में बनाना हो या बीएलओ कार्य हो, तमाम चीजों से छुटकारा जब तक शिक्षकों को नहीं मिलेगा तब तक यह सफलतापूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया गया। यानी कि घुमाकर फिराकर कहीं ना कहीं एक आदेश पर वहां से हटते हैं तो दूसरे आदेश पर वहां लगा दिए जाते हैं। कहीं कहीं इसका प्रभाव ज्यादा मिल रहा है, कहीं कम मिल रही है, लेकिन शिक्षकों को आज भी कई ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है। कोई अगर सर्वे करना हो तो शिक्षकों को ही लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर शैक्षणिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बिहार सरकार करती है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करने से पहले ही यह कन्फर्म होनी चाहिए कि शिक्षक, शिक्षा से शिक्षक बना तो शिक्षा पर ही उनका कार्य आधारित हो,
शैक्षणिक कार्यों से ही जुड़ा हुआ हो। तो कभी मुर्गी गिनती करवाते हैं, तो कभी कपड़ों की गिनती करवाते हैं, तो कभी आदमियों की गिनती करवाते हैं। इन तमाम कार्यों से जुड़े रहते हैं। मैं नहीं कहता कि जो आपदा की कार्य वो शिक्षक नहीं करेंगे, मैं यह नहीं कहता कि जनगणना का कार्य वो शिक्षक नहीं करेंगे, मैं यह नहीं कहता कि चुनाव का कार्य वो शिक्षक नहीं करेंगे। इन तीन चार कामों को तो शिक्षकों को करना होगा, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे कार्य हैं। एक शिक्षक ने मुझे बताया कि सर 35-36 ऐसे काम शिक्षकों के जिम्मे है। जैसे देखिए, मास्टर डॉक्टर भी बन जाते हैं, एल्बेंडाजोल वादी जो दवा आती है उसको भी खिलवाने का जिम्मा शिक्षकों पर ही आता है। स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं, दवा देते हैं और चले जाते हैं। अब शिक्षकों को उसको खिलाना है, कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं कि वैसे बच्चों को नहीं खिलाना है, तो वो भी जिम्मा शिक्षकों पर ही मिल जाता है। चावल बांटने का, फिलहाल मान लीजिए कि भोजन नहीं भी मिल रहा है तो चावल बांटने का कार्य शिक्षकों को दिया जाता है। बच्चों के खाते में अगर पैसे की ट्रांसफर करना है तो शिक्षकों को दे दिया जाता है, शिक्षक ही कर रहे हैं, दे दिया जाता है नहीं, शिक्षक ही कर रहे हैं। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और रखकर तब बातें करना चाहिए कि गैर शैक्षणिक कार्य में अब शिक्षक। ये आदेश बिल्कुल हाईकोर्ट के द्वारा सही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। केवल टीआरपी को हटा देने से विद्यालय का संचालन सुचारू नहीं हो पाएगा और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक शिक्षकों को मानसिक टेंशन से दूर, मानसिक टेंशन से मुक्त नहीं किया जाएगा, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना बेमानी है। मानसिक परेशानी कहें, शोषण कहें, टेंशन कहें, तो मैं कह दूं कि शिक्षकों को सबसे पहले उनका जो मासिक है, मंथली वेतन है, वो समय पर मिल जाना चाहिए। क्योंकि आर्थिक तंगी से अगर शिक्षक गुजरेंगे तो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान ही रहेंगे। तो सबसे पहले बिहार के शिक्षकों को समय पर पहली सप्ताह में, हर तारीख के पहली सप्ताह में वेतन अगर मिल जाता है तो गुणवत्तापूर्ण की सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर कामयाबी मिलेगी। दूसरी, गैर शैक्षणिक कार्यों से उन्हें मुक्त करना होगा, अन्य कार्यों में लगाना नहीं होगा, और नहीं तो वह इस तरह से परेशान नहीं रहेंगे तो क्लास रूम में जाकर उनके चेहरे पर सिकन होगी और बच्चे को वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में शायद सार्थक साबित नहीं हो पाएंगे। तो यह आदेश को हम सही मानते हैं कि हाई कोर्ट का यह आदेश कि सभी केआरपी को अपने मूल विद्यालय में भेजा जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिया जाए। लेकिन यहां पर तमाम शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त होना चाहिए। केवल तो केवल विद्यालय जाना है, पढ़ाना है और आना है, बस तीन काम, जाना, पढ़ाना और आना। यही काम शिक्षकों को जब तक नहीं मिल पाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें करना शायद बेमानी होगा। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो क्षमा करेंगे। अगर अच्छी लगी हो कोई भी बात तो नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पक्षधर या फिर गुणवत्तापूर्ण के नाम पर ढोल पीटने वाली नेताओं, व्यक्तियों या समाज के कुछ वैसे लोग जो ढोल पीटते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो लेकिन शिक्षकों की परेशानी को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे रूम में नियमों को बना दिया जाता है, लेकिन नियम बनाने के लिए धरातल पर जब तक सार्थकता साबित नहीं होगी, धरातल की समस्याओं को नहीं देखा जाएगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिकल्पना करना भी बेकार साबित होगा, बेमानी साबित होगा। हर विद्यालय के अलग अलग समस्या होती है, तो हर विद्यालय के लिए, हर प्रखंड के लिए अलग अलग मंथन होने की जरूरत है। प्रखंडों में मंथन होकर वहां उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि 9 से 4 विद्यालय चलाने की जरूरत है, तो वहां की स्थिति देखनी जरूरी होती है कि वहां की स्थिति क्या है, क्या बच्चे 9 बजे सही रूप से खाना पीना खाकर चले। ये बहुत लंबी दूरी की बातें हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी इसकी परिकल्पना की जा सकती है जब तक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से और मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिकल्पना करना भी बेमानी साबित होगी, लेकिन हाईकोर्ट का यह आदेश सार्थक है। अब केआरपी को अपने मूल विद्यालय जाना होगा, दनादन अब लेकर निकल रहे हैं।
जैसे ही कोई और खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी मिलती है तो आपको सबसे पहले सबसे आगे बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।